एक कमरा रेंट पे मिल सकता है क्या? मतलब हमारी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी पैसे कमाने के लिए किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलिए, डील पक्की? तो रहे थे कि फौरन ब्याह नहीं करेंगे। अब राज की खुशी तो कुहू की खुशी में ही है ना। पूनम तो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, छोटी है, अब पता नहीं ब्याह के लिए इंतजार करेगी कि नहीं। वैसे तो पूनम ने कह दिया है कि कुहू जो चाहेगी वही होगा। अब बच्चे का मन रखने के लिए बहाना कौन नहीं बनाता है। कुहू को शांत करने के लिए कह दिया होगा। ऊपर से पूनम ने कुहू से वादा भी किया है कि वो उसकी माँ को, मतलब साइना को, वापस भी लेके आएगी, पर वो तो ढूंढ ही नहीं रही है। अब जब पूनम ने ठान ही ली है कि वो रात से ब्याह करेगी, तो आगे जाके वो कुहू को पता नहीं क्या क्या झूठी पट्टियां बढ़ाएगी। बुआ के घर में रहने का रेंट दोगे? हाँ राज, अगर कोई हमें अपने घर में रहने की जगह देता है तो उसे रेंट भी तो पे करना ही होता है ना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुहू गुस्से में, मैं जाके बात करता हूँ उससे। नहीं राज, कुहू अभी बहुत स्ट्रेस्ड है, हम ऐसे में उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें कुहू को सबसे पहले ये यकीन दिलाना होगा कि हम सबको उसकी खुशी की परवाह है, कि वो अपने डैड पर ट्रस्ट कर सकती है। हाँ, अभी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, पर बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाएगी वो और हमारी बात भी मान जाएगी। लेकिन तुम्हें चिराग से रेंट के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया। मैं उसे हर महीने रेंट दे दूंगा। आप रेंट क्यों देंगे? क्योंकि तुम पूर्णिमा। कयामत से कयामत। राज, आपने ही मुझसे कहा था ना कि मैं पूर्णिमा के साथ साथ पूनम भी हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, और यहाँ मैं सैलरी के लिए काम कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सपने की ओर बढ़ूं, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। Fair enough. जैसा तुम्हें ठीक लगे मिस पूनम। पूनम? तो फिर मिस पूनम? हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा एग्जाम नहीं, एग्जाम मेरा भी है। जब तक तुम्हारे सारे एग्जाम नहीं खत्म हो जाते, तब तक मैं तुम्हें पूनम नहीं, मिस पूनम कहकर बुलाऊंगा। मुझे भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए। आई थिंक सो, मेरे लिए ये मेरा टेस्ट है। आप तो बहुत फोकस्ड है मिस्टर राज, लेकिन कोहो भी अभी अपसेट है। आप भी मुझसे अपसेट हो जाएंगे तो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। मैं कुहू को देखकर आती हूँ, उसका मूड ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं शिव शंभू ने मेरा और उसका कनेक्शन भी सोच समझ कर ही बनाया होगा। मैं उससे बिना बात के नहीं रह पाती राज। अभी कट्टी है वो मुझसे, पर बहुत जल्दी मुझसे बात करने लगेगी। उसके खाने का टाइम हो गया, मैं अभी आती हूँ। पर मेरी बात नहीं राज, मैं उसके बाद पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करूंगी। आई प्रॉमिस। 30 अप्रैल, याद है मुझे। अभी आई। कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती हो। कयामत से मिस पूनम। के लिए सैंडविच और चॉकलेट मिल्क लेकर आई हूँ। एक काम करो, आप खेलो, मैं आपको खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना। ओहो, आप मुझसे अपसेट हो ना, प्लीज खाने पे गुस्सा मत उतारो। एक काम करो, आप अपना फेवरेट चॉकलेट मिल्क पी लो,
ये लो। नहीं चाहिए। आप तो मेडिसिन लेती हो ना, अगर खाना नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। खाना स्किप मत करो, थोड़ा सा बस ये दूध पी लो प्लीज। थोड़ा सा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। को अरे वाह, अभी से अपनी बात मनवा ली। राज से ब्याह करने के बाद ना तुम एक बहुत अच्छी माँ साबित होगी कुहू के लिए, और कुहू भी तो तुम्हें कितना चाहती है ना कुहू? प्लीज पी लो। खाना नहीं चाहिए प्लीज। कुहू प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो, आपकी सांस चढ़ सकती है। मुझे नहीं चाहिए, बाहर जाओ यहाँ से। ओके ओके फाइन, मैं आपके लिए दूसरा दूध लेकर आती हूँ, ये क्लीन भी कर देती हूँ, तब तक आप सैंडविच तो खा लो। खाना नहीं चाहिए। बोले ना जाओ, मेरे रूम में वापस मत आना। कुहू, what is this behavior? खाने का ऐसे अपमान करते हैं क्या, और बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? जो बड़े अच्छे नहीं होते उनके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। मुझे मिस पूनम का चेहरा भी नहीं देखना, वो गंदी है, लायर है, चीटर है, I hate her. राज, समझ है बोल। I hate you, I hate you. तुम भले ही राज का कवच होगी, पर कुहू में राज की जान बसती है। अब देखना कैसे ये छोटी सी जान कुहू तुम्हारा जीना हराम करती है। राज, ये क्या हो गया आपको, इतना ज्यादा गुस्सा? वो बच्ची है राज, और आज से पहले आपने कुहू पे कभी हाथ नहीं उठाया। फिर I know, लेकिन कुहू ने भी कभी ऐसे मिसबिहेव नहीं किया आज से पहले। नो राज, लेकिन इस वक्त वो बहुत डरी हुई है। उसने हमेशा से बस यही चाहा कि उसके अम्मा अप्पा हमेशा साथ रहे, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ, आप दोनों को अलग करना चाहती हूँ। वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ना, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने उस पर गुस्सा किया, उसे ज्यादा चिल्लाया, तो मुझसे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, मुझसे और अपसेट हो जाएगी वो। You're right. राज, मैं कुहू की सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रही हूँ। कुहू इस वक्त बहुत हर्ट है, और उसका दर्द गुस्सा बन के बाहर आ रहा है। आपको याद है जब आपने मुझे देखा था, आपने भी गुस्से में ही रिएक्ट किया था। Yeah. तुम सही कह रही हो। आई थिंक हमें कुहू को टाइम देना चाहिए। राइट, बट यू नो व्हाट, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम सर पे है, हमें तैयारी करनी चाहिए उसकी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर कौन सा याद है तुम्हें? भूल गई। ओके, कम विद मी, कम 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 कम, परफेक्ट। तो तुम्हारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वो देख लेता हूँ टाइम टेबल में, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। भूल गई। क्या? कुहू के टाइम टेबल के हिसाब से उसका बैग पैक करना। मैं अभी आई। So, cerebral spinal fluid basically आपके ब्रेन और आपके स्पाइन को ट्रॉमा से बचाता है, नो दैट। और दूसरा है पॉस्टर ट्राइंगल्स, इसमें होता है बेसिकली ओके फाइन, आंसर मी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ cerebral spinal fluid? अब बस मुझसे नहीं हो पा रहा। Miss Poonam, please answer me. Cerebral spinal fluid का main function क्या है? मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं थक गई हूँ। क्यों? राज, क्यों क्या क्यों? मैं पढ़ाई पे focus नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कुछ भी याद करूँ? आप lessons के बीच में break भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए make और break deal है, और ये बीच बीच में जो काम करती हो ना तुम, तुम्हारे लिए वही ब्रेक है। मैं जानती हूँ राज, एग्जाम सर पर है, पर मैं ऐसे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। आप इतने स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाएंगे, मैं कैसे पढ़ूं? जा रही हूँ मैं। मिस पूनम, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? बाहर दिमाग की एक्सरसाइज करने। दिमाग की एक्सरसाइज करने?
तुम क्या कर रही हो? कहा ना, दिमाग की एक्सरसाइज। जब साइकिल चलाती हूँ ना तो मेरा दिमाग अपने आप चलने लगता है। Really? Yes, अब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा तो फिर बताओ कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा से बचाने का काम करता है। क्या हुआ? दरअसल वो क्या है ना कि काफी टाइम से साइकिलिंग की नहीं मैंने, तो शायद जंग लग गया इसे। जंग किसे लग गया? साइकिल को या आपको? नो, आई मीन टू से कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है ना, उम्र बढ़ने लगती है तो जल्दी थक जाते हैं। अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, मैंने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए? मैं कभी ऐसा कह सकती हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ राज कि आप बुजुर्ग हो गए हैं। ठीक है तो फिर मैं अभी बताता हूँ कि कौन बुजुर्ग हुआ और कौन बूढ़ा हुआ। Let's race. Challenge? हाँ ठीक है, let's race. Let's race. राज मुझे एक डाउट है, वो आप मुझे मिस गायब बुलाती थी ना, और मैं आपको थलाइवा बुलाती हूँ, और मेरे थलाइवा सोते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। ये मौड़ी तो राज को फिर से हंसने बोलने वाला राज बना रही है, उसकी मरी हुई जिंदगी में जान डाल रही है। इस पूर्णिमा को देख के जितनी राज की जान में जान आएगी ना, उतना ही राज की जान लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इस बार कुछ नहीं करके भी सब कुछ करके जाऊंगी। एक तीर से दो शिकार करूंगी, राज और पूर्णिमा का शिकार। कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि सांप को मारने के लिए विष की जरूरत होगी। उसके लिए मुझे एक नया मोहरा चाहिए होगा। निर्वाण बेटा सुन जरा। मिल गया मोहरा। गुनीता ये दवाई ले लो, राज ने कहा है तुम्हें देने के लिए। ये विटामिन की गोली है, खाना तो तुम वैसे ही नहीं खा रही हो, कमजोरी आ जाएगी गुनीता। लो। कमजोर तो पड़ गई हूँ जीजी, ये सोच सोच कर कि ये सब इन्होंने किया है, मेरा दिल नहीं मानता कि ये सब इन्होंने किया है, ऐसा नहीं हो सकता। गुनीता कभी कभी पति पत्नी बरसों साथ बिताते हैं फिर भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। अब इन सब बातों का क्या फायदा जीजी? सभी को तो यही लगता है कि इन्होंने परिवार के साथ धोखा किया है, और पुलिस के पास सबूत भी है। गुनीता कभी कभी झूठे सबूतों को भी सच बना दिया जाता है। झूठे सबूतों को सच बना दिया जाता है, मतलब इनके खिलाफ जो भी सबूत है आपको भी यही लगता है कि वो सब झूठ है, इन्होंने कुछ नहीं किया? जीजी इन सब के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर अगर हाँ सोचू तो तुम्हारी बात मुझे सही लगती है। भाई साहब हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं? नहीं गुनीता, नहीं, मेरा जी नहीं मानता है। दवा से ज्यादा मेरी चिकनी चुपड़ी बातों का असर हो रहा है तुम पे गुनीता। पहले अपने मकसद के लिए तुम्हारे पति को इस्तेमाल किया, अब तुम्हारी बारी। ओके okay. तो हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट को नहीं मिलता, और ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इट विल हेल्प यू।
ओके, मैं कुहू के स्कूल से आने से पहले घर आ जाऊंगी। टाइम पे घर आना भी तो बहुत जरूरी है ना। घर पे कुहू के लिए और भी मेंबर्स हैं। तुम प्लीज अपनी स्टडीज पे फोकस करो, अपने एग्जाम पे फोकस करो। दैट्स इट। आई नो राज, मैं जानती हूँ कि एग्जाम सर पर है, लेकिन कुहू को लेकर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं उसे इग्नोर तो नहीं कर सकती। डॉक्टर पूनम राजलक्ष्मी अय्यर बनने के साथ साथ मुझे कुहू की पहले वाली मिस पूनम भी बनना है। आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। फाइन। राज के सामने मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर देखा तुमने को नहीं था, ये मौड़ी अपने साथ हमेशा अपशकुनी लेके आती है। ये जब भी आसपास होती है ना, तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। पर चीची, अचानक से आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? सच कह रही हूँ मैं कोनिता, जरा सोच, जब इस मौड़ी के कदम हमारे घर पे पड़े थे तो हमारे पाउची जल बसे थे, और राज की जान तो कितनी बार जाते जाते बची है, और अब जब ये मौड़ी पुनर्जन्म लेके वापस लौटी है, तो रवि भाई साहब, अगर इसकी बुरी नजर हमारे बच्चों को लग गई तो गीतू निर्वाण। जीजी, बात तो आपकी एकदम सही है, परिवार में सारे बिघन इसके आने के बाद शुरू हुए हैं। आप क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो राज का तलाक हुआ नहीं है, और ऊपर से अगर ये पूर्णिमा है भी, तो भी जो इन दोनों की उम्र का फासला है, उसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, है ना? हाँ। और उम्र में भी तो कितनी छोटी है ये राज से, और राज पूर्णिमा के लिए कितना मायने रखता है, इसका पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है गुनीता। वो तो ठीक है, पर कैसे? पूनम की नीयत टटोल कर, उसके इरादों को आजमा कर, अगर पूनम को कोई अच्छा लड़का मिले जो उसकी उम्र का हो, तो क्या तब भी वो उम्र का फासला बुलाकर मेरे बेटे का साथ देगी? गुनीता, गुनीता, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे राज को फिर से कोई धोखा मिले जैसे साइना ने दिया था। राज पूनम के लिए कितना जरूरी है, ये मेरे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है। सही कहा जीजी, एक बार इसके इरादे आजमा सकते हैं, मगर कैसे? गुनीता, तुम्हें वो याद है? अरे, राज और निर्वाण बता रहे थे कि हमारे अस्पताल में गुनी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था। हाँ। जो डॉक्टर बनने में मदद करता है, उसी प्रोग्राम में है लड़का, पूनम की उम्र का है, और पूनम के जैसे ना वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, और वो हमेशा अस्पताल में ही रहता है। ठीक है, मैं अस्पताल जाके सब पता लगाती हूँ। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय। क्या आप भी यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है। आई नो मैं 1 month लेट हूँ, बट मैं कोप अप कर लूंगी। आप? रजनीश। रजनीश जी। हाय पूनम। मिनट हो गया, अभी तक आई नहीं। This is not done. Patient is ready, doctor. OT में सब आपका वेट कर रहे हैं। I'll be there.